अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप नित नए खानों के शौकीन हैं और दुनिया भर में खाए जाने वाले अनोखे जायकों से लुत्फ़ानंदोज़ होना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को स्किप मत करिएगा। खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और अच्छा खाना आपको सेहत और तवानाई देने के साथ साथ आपकी तबीयत और मिजाज को भी खुशगवार कर देता है। किसी भी मुल्क का खाना वहाँ की तहजीब व सकाफत की नुमाइंदगी करता है, इसलिए हमें यकीन है कि हमारा इंतखाब आपको पसंद आएगा और आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खाए जाने वाले बेहतरीन खानों से लुत्फ़ानंदोज़ होंगे। तो हम अपने आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं लाजवाब खानों की फहरिस्त के बारे में, जिन्हें खाना आपके लिए एक शानदार तजर्बा हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शकशुका फूड की। शकशुका एक मशहूर और मारूफ अरबी पकवान है जो अंडों को टमाटर के गोदे और मिसालों के अमेजे में मिलाकर पकाने से बनता है। सल्तनत उस्मानिया की इस खास डिश को शुमाली अफ्रीका में भी ज़ौक शौक से खाया जाता है। कई ममालिक में इसे तवानाई भरे नाश्ते के तौर पर भी पसंद किया जाता है, ताहम इसे दोपहर या रात के खाने में भी खाया जाता है। हमें यकीन है कि आप इस मनफरिद और लाजवाब खाने को ज़रूर ट्राई करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चिकन साटे की। इंडोनेशियन खानों में खसूसियत की हामिल एक मुनफरिद मज़ेदार और शानदार डिश, जिसे मुर्गी की बगैर हड्डी की बोटियों को तिनकों में परोने के बाद तेल में फ्राई करके बनाया जाता है। ये पकवान जनूब मशरकी एशिया में भी यकसा मकबूलियत का हामिल है। मलाइशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में भी इसे बहुत शौक से खाया जाता है। खुशबूदार और लजीज चिकन साटे अपने जायके में मुनफरिद और इश्तहा अंगेज पकवान है, जिसे दोपहर या रात के खाने में खाया जाता है। उम्मीद है आप भी इस लाजवाब पकवान से लुत्फ़ानंदोज़ होना पसंद करेंगे। दुनिया के मशहूर खानों में तीसरा नंबर केवड़ा का है। केवड़ा बकरी की कलेजी और तीखे मिसालों के इम्तिजाज से बनी यमन की एक मकबूल तरीन डिश है, जिसे मकामी अफराद में नाश्ते में खाने का रवाज है, ताहम इसे दिन के किसी भी पहर में खाया जा सकता है। इसे गरम नान के साथ खाएं या चावलों के साथ मज़े उड़ाएं, यह हर सूरत में लज्जत का काम ही करेगा। बाज अफराद इसे सैंडविच में रखकर भी खाते हैं। ये एक ऐसी डिश है जिसे कई तरीकों से खाया जाता है। खाने में लजीज और बनाने में आसान केवड़ा को आज ही घर पर पकाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं थाई रेड चिली चिकन की। जनूब मशरकी एशिया के मकबूल और मज़ेदार खट्टे मीठे तीखे और मुनफरिद जायके से लबरेज डिश, जिसमें शामिल कई तरह के जायकों का बेहतरीन इम्तिजाज आपके खाने को शानदार बनाता है। ऑयस्टर सॉस, थाई रेड चिली पेस्ट और लीमो का जायका इस पकवान को मुनफरिद और लाजवाब बनाता है। इस मज़ेदार पकवान को दोपहर के खाने या एशियाई में चावलों के साथ पेश किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इस खास पकवान को ज़रूर खाना पसंद करेंगे। एक बार आपने इन मुनफरिद और मुंह में पानी लाने वाले मज़ेदार पकवानों को खा लिया तो ये आपके लिए एक अनोखा और यादगार तजर्बा होगा और आपका दिल इस तरह के मज़ीद निराले और मज़ेदार खाने खाने का दिल चाहेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।